तो भाई यो स्वागत है सबका आज के एक नए वीडियो में। और आज जिस प्लेयर के साथ में 1v1 करने वाला हूँ, ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। ये भाई साहब है इंडिया के नंबर 1 M1887 चलाने वाले प्लेयर, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं डबल बैरल। और साथ ही में भाई साहब का नाम है हंटर, जिसने अमित भाई को हंट किया है। कुछ टाइम पहले ही अमित भाई ने इस प्लेयर के साथ 1v1 किया था, जिसके रिजल्ट में अमित भाई हार गए थे। मतलब अमित भाई ऐसे प्लेयर है जो कि मेरी नजरों में डबल बैरल चलाने में बहुत ही तगड़े प्लेयर है, और उनको हराना बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से आज मैं भाई के साथ करने वाला हूँ 1v1। देखते हैं हंटर क्या मेरे सामने 1v1 ओनली M1887 डबल बैरल कस्टम में जीत पाएगा। भाई यो हंटर 69 हमारे साथ आ चुका है। हंटर 69 भाई, आपने अमित भाई को हराया है, सुनने में आया? हाँ, मैंने हटाया था 3-7 से। 3-7 से भाई, ये नहीं बोलना था, बाकी सब ओके है। मतलब किस टाइप से आपने ऐसा क्या खेला कि अमित भाई को हरा दिया? मैंने बॉडी बॉडी मतलब वो बेचारे मेरे को ढूंढते रहकर मैं मार जाता उनको। चलो कोई ना, आपको लगता है कि आप मेरे को हरा दोगे? आपको लग रहा है ऐसा? टॉप 1 में तो बैठा हूँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। आपने अमित भाई को हराना मतलब हराया है, तो मे भी आपको लगता हो कि आप अज्जू भाई को भी हरा दोगे? इस टाइप से कोई चीज तो नहीं है ना कि आपने सोच ही लिया कि अब तो अज्जू भाई को बस खत्म कर देगी आज? ट्राई जरूर पूरा करूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आप मेरे को हरा पाते हो कि नहीं हरा पाते। हम एडवांस कस्टम करेंगे, दोनों के M1887 की स्किन भी सेम रखी है मैंने भाई। ओके, तो ये ना हो कि भाई स्किन डीफ हो गया, सेम स्किन के साथ खेलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो मैं अभी एडवांस कस्टम बना के आपको इनवाइट करता हूँ। हंटर 69 हमारे एडवांस कस्टम रूम में आ चुका है, और टीजी दादा हम दोनों का गेम देखेगा कैसे हम दोनों खेल रहे हैं। आई होप मैं इस गेम को जीतू, क्योंकि जैसे मैंने बोला हंटर भाई लग तो बहुत तगड़े प्लेयर रहे हैं, बट मेन वही है कि मैं भी इंडिया का नंबर 1 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे को अभी तक रैंक नहीं मिला है गेम के अंदर, वरना मैं बोलता इंडिया का नंबर 1 AWM प्लेयर, बट खेलना पड़ता है, वो मिलता नहीं है। गलती से मैंने वुडपेकर रख दिया है, बट आई होप वो भाई भी ना यूज करे और मैं भी ना यूज करूं, डबल बैरल के साथ इस वर्सेस को हम लोग कंप्लीट करें। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को एक लाइक आ चुका है टीजी दादा का, लेट्स गो। आई होप इस गेम में हम लोग कुछ तहलका मचा दें। मैंने तत्सुया लिया है, एक मिनट यार, मेरे को ना हाथ वगैरह साफ साफ कर लेने दो, मतलब साफ सफाई कर लेने दो यार। यो ये गेम तो मैं जीत रहा हूँ, मेरे को इतना लगता है, इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बट भरोसा है अपने ऊपर, अपने गेम के ऊपर। आ रहा हूँ मामा, रुक जा यार। ओके अच्छा, अरे अरे मारना स्टार्ट भी मत कर, अरे यार रुक तो जा, ग्लोल डालने देने का ऐसा रूल है हमारे यहाँ पे। ये कौन सा गेम खेल रहा है भाई तू? तूने अज्जू भाई के सामने वर्सेस करने का सोचा है? जिंदा काट दूंगा। ये अमित भाई नहीं है भाई? अमित भाई गाली देंगे मेरे को, बट अमित भाई को मैं ट्रोल तो कर रहा हूँ भाई, सच बताओ कि आप हार गए अमित भाई? सीरियसली आप M1887 के किंग हो? बट कोई ना, अमित भाई का बदला अज्जू भाई 69 लेंगे। हंटर 69 भाई, मेरे हाथ क्यों फंस रहे हैं इतने? मेरे हैंड मूवमेंट फंसने लगे हैं दोस्त। तो भाई ये मस्त तो मार सकता था मेरे को, बट कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। पीरो देखा, तस्सुया मेरी जान, तस्सुया। अच्छा मैंने वो नहीं लिया है, क्या बोलते हैं, दोस्तों एक लफड़ा हो गया है, अपन ने एक वो वाली चीज नहीं ली है जो अपने पास होनी चाहिए। अब तुमको पता है कौन सी? देखा दोस्त, तस्सुया वर्सेस तस्सुया हुआ ना, तो मैं तस्सुया चलाने में तो अलग लेवल का प्लेयर हूं भाई। उसको क्या बोलते हैं, एक चीज आती है बोनफायर, मैंने बोन फायर नहीं लिया है। इसने अमित भाई को 7-3 से हराया है, तो हम उस चीज को याद रखेंगे, कभी भी ये प्लेयर कमबैक कर सकता है। और अमित भाई सॉरी यार, मैं तुमको ना ट्रोल नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी यार समझो हमको बोलना पड़ेगा, आप ये भाई से हार गए सीरियसली? चलो कोई ना, अभी इतना ज्यादा ट्रोल नहीं करेंगे, वरना अमित भाई पार्ट 2 बनाएंगे। मैं लिख के देता हूं अमित भाई का पार्ट 2 इस प्लेयर के साथ आएगा। अमित भाई से मेरी बात हुई थी, अमित भाई बोल रहे थे भाई वो मौका ही नहीं दे रहा, मतलब छिप छिप के खेल रहा है, मैं मारूंगा कैसे इस टाइप से। तो आई होप जब इसका सेकंड पार्ट आए तब अमित भाई जीते, अगर सेकंड पार्ट में भी हार गए सेकंड बार वर्सेस करके भी, तब तो मैं तगड़ा ट्रोल करूंगा। बाय द वे इस वीडियो पे हम लोगों को चाहिए 1,00,000 लाइक, आई होप तुम लोग करवा दोगे। किधर जाती मेरी जान? भाई ये कुछ अलग ही मारा इसने, मतलब काट दिया मेरे को, काट दिया, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया ये वाले मूवमेंट देख के। अरे हाँ एक चीज मैंने नोटिस नहीं करी, मैंने ना नायरी कैरेक्टर नहीं लिया है, आई होप ये लफड़ा ना हो। वैसे भी मेरे को नायरी कैरेक्टर से ना खेलने का इतना आदत नहीं है, ये नायरी बहुत घटिया कैरेक्टर है, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, सच बताऊँ तो बहुत सारे, बट अनलिमिटेड में अच्छा है, पर मैंने नहीं लिया है तो क्या ही फायदा। बाय द वे हंटर के पास भी एक राउंड है, मेरे पास भी एक राउंड है, अभी इस गेम में हम दोनों एक ही नाव पे सवार है। कौन जीतेगा इस गेम को, अज्जू भाई या हंटर भाई? वैसे हाई चांस है अज्जू भाई के, बट फिर भी देखा जाएगा जो भी होगा। भाई ये राउंड तो सामने वाला ये वाली जगह जहाँ पे वो है ना, वहीं एकदम ओपी जगह है सच बताऊं तो। अरे बढ़िया प्लेयर है यार ये, तो एक नंबर प्लेयर है भाई ये, किंग देखा। अरे खत्म भाई,
अरे इसने मेरे को ये बताओ, नायरी वायरी लिया, इतना तगड़ा तरीके से अपने आप को पैकिंग किया, फिर भी कैसे मर गया है? सीरियसली ब्रो, आर यू कॉमेडी में? बस भाई बस हो गया मेरा। अमित भाई मैं क्या बोलू यार, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ, मैं 2 राउंड इसको हरा दिया। भाई साहब अमित भाई तुम भी ना यार। गाइज मैं ना नेक्स्ट टाइम जब अमित भाई इसके साथ वर्सेस करेगा ना, तब स्पेक सीट में बैठने का ट्राई करूंगा। आई होप मेरे को अमित भाई पार्ट 2 का जब रिकॉर्डिंग करे तब बुलाए। मैं बैठ के देखना चाहता हूँ कि अमित भाई, मैं अमित भाई को गाइड करूंगा अगर मैं जीता तो। चलो ये देखो ये देखो, तू अपने आप को प्रो मानता है क्या है बिडू? तू अपने आप को प्रो मानता है क्या? अच्छा अच्छा चलो भाई, एक तो मेरे पास ना ये बहुत बड़ा लफड़ा है यार। हीरी ये अच्छा है, निकलेगा तो इधर से ही, ये तो कंफर्म है, बट कब वो दिखने वाली बातचीत रहेगी दोस्तों। ही इज रियल पीरो, जीनियस प्लेयर। बस भाई खुश अभी आ जा। अरे मां कसम ये कैसे लगा, ये हेड कुछ अलग ही लेवल पे लगा। इसके पास भी 36 ही बचा था, 2-2 पॉइंट हो गए दोनों के। भाई ये मेरे को नहीं समझा, ये मेरे को कैसे, और मैं उसने उल्फरा लिया है क्या? एक मिनट मेरे को चेक करने दो, उसको मैंने हेड मारा था। इस टाइप से होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये बहुत शॉकिंग मोमेंट था, बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज हुई है। ये कौन सा कैरेक्टर है, मैं देखूं कैसे उसके पास कौन कौन सी कैरेक्टर स्किल है ऐसा? अच्छा ऐसे होगा ना, इधर स्किल पे दबा के। अरे हाँ यार उल्फरा तो उसके पास भी नहीं है, तो फिर कैसे हो रहा है? बहुत बहुत गजब है भाई, बहुत ज्यादा गजब है। और यार मैंने दूसरा डबल बैरल भी नहीं लिया इस बार, भूल गया मैं। तो क्या भूल गया? अच्छा है भाई, अब बोल। अरे यार कोई फायदा नहीं है, ये पूरा पैकिंग ही कर दिया भाई ने, बट अच्छा है सही खेल रहा है। इसके सामने ना मेरे को फाइनली ऐसा लग रहा है, फाइनली वर्दी ओपोनेंट ऐसा लग रहा है। वो बोलते हैं ना कि तगड़ा प्लेयर आया है कोई सामने, ऐसा मेरे को फील दे रहा है। क्योंकि एक पॉइंट वो जीत रहा है, एक पॉइंट मैं जीत रहा हूँ, और उस वजह से एक ऐसा माहौल बना है। मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि नहीं कोई मैच हो रहा है ऐसा, और वो भी तगड़ा वाला मैच, क्योंकि कभी भी मैं हार सकता हूँ इसके सामने। डबल बैरल दूसरा लेने तो अज्जू भाई ज्ञान बाद में दे देना, पता है आप वर्ल्ड के नंबर 1 फ्री फायर यूट्यूबर, बट इस प्लेयर को हराने के लिए आपको ज्ञान नहीं देना है, गेम खेलना है। आई होप हम लोग इसको अभी 7-2 से 8-2 से हरा सके, क्योंकि मैंने 8 ऑब्जेक्टिव रखा है 8, क्योंकि 8 जो है ना, 8 नंबर वो बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट जो बोलते ना। क्या हो गया मेरे को समझा नहीं है क्या कर रहा है दोस्त, क्या हो गया है, ये करना क्या चाहता है भाई? माँ कसम इसके हाथ में गन नहीं थी और उसने गोली मारने का ट्राई किया कि ये मैच को एंड करना चाहता है, कुछ लफड़ा हो गया। आई डोंट नो जो भी हुआ हो, बट इसने प्ले किया, एंड में जाके गन निकाला था और मारा भी था, तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि ये गेम खेल रहा है। बट अगर ये ऐसे ही गन लिए बिना मर जाता ना, तो मैं इस गेम को बेक कर देता, कन्फर्म बेक कर देता भाई। अगर वो बंदा एलिमिनेट हो जाता है अभी, तब भी मैं बेक कर दूंगा, तो मेरे को लगेगा कि उसका कोई इंटरनेट इशू या कोई भी इशू हुआ होगा, इस वजह से वो बेक कर दिया ऐसा। बट नहीं, इंटरनेट इशू भी नहीं है, वो खेल रहा है, उसके पास में गन ही नहीं आया होगा। ये कुछ अलग ही है भाई, मतलब क्या बोलूं, उसका हाथ कांप रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है, रोमियो की तरह। रोमियो मेरे सामने खेलता है ना, तब बोलता है अज्जू भाई हाथ कांप गए मेरे। नहीं दोस्त नहीं, अज्जू भाई 94 के सामने तू खेल रहा है। अज्जू भाई जो है ना, वो अमित भाई का बदला लेने के लिए आए। एक बार अमित भाई का दिन खराब जाए और अमित भाई हारे, मैं ट्रोल करूंगा, बट कोई दूसरा नहीं कर सकता अमित भाई को ट्रोल। बट अमित भाई तुम इससे हार गए 7-3 से, ये भाई से। मैं मानता हूं इंडिया का नंबर 1 प्लेयर, बट फिर भी तुम हार गए। क्या यार अमित भाई तुम भी यार। गाइस कोई दूसरा बंदा ट्रोल नहीं करेगा अमित भाई को, मैं ही कर सकता हूं, मेरे पास ही वो हक है, क्योंकि मैं ही अमित भाई का बदला ले रहा हूं, बाकी कोई नहीं ले रहा है। बस अभी जब मैं AWM वाले भाई के साथ वर्सेस करूं और मैं इनके हार गया, तो अमित भाई मेरे को ट्रोल ना करे वरना लफड़ा होगा भाई। अमित भाई भी लेंगे फिर मेरे मजे। आजा भाई आजा, ये प्लेयर है तगड़ा भाई, माँ कसम बहुत बढ़िया खेल रहा है दोस्त। अज्जू भाई बोलते ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा और ये गंदा मार खा रहा है अमित भाई। हेलो अमित भाई व्हाट्सअप। इसी वीडियो में ना मैं सोच रहा हूँ अमित भाई को एंड में बुलाऊ और दिखाऊ इनको रिजल्ट, भेजूंगा अमित भाई को व्हाट्सअप पे। भाई जीत रहे हम लोग, M1887 के नंबर 1 इंडिया के प्लेयर के सामने अज्जू भाई 69 ने, हंटर 69 के सामने अपना तगड़ा गेम प्ले का प्रदर्शन किया है और जीत भी रहे हैं इस गेम को बहुत तगड़े तरीके से। क्या लगता है दोस्तों, यहां से वो बंदा कमबैक करके 6-6 कर लेगा?
इधर वो गेम हार चुका है, आई डोंट नो क्या होगा, बट मैं चाहता हूँ कि वो कमबैक ना कर सके। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा समझ गया, ठीक है भाई। ये वाली मेडिकेट मेरे पास कहाँ से आई, इसको भी मैंने गंदा ही धोया था। अच्छा खेल रहा है, रुक के खेल रहा है, और कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ वो प्लेयर रुक के खेल रहा है इस बार। डर, ये डर मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को भी अब रुकना पड़ेगा भाई, बहुत सॉलिड रुक रहा है ये भाई, गंदा रुक के खेल रहा है तो ये तरीका नहीं है भाई खेलने का, सच बताओ तो। इसने पेक किया या क्या किया नहीं समझ रहा मेरे को, डर का माहौल है दोस्त, इसने किया क्या ये। अच्छा आई डोंट नो ब्रो, ये क्या कर रहा है। अमित भाई इसका बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा पेक कर करके खेलता है, तो थोड़ा देखना इस वजह से, अब समझा। नहीं दोस्त नहीं यार, मैं बेट करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बेट करूंगा, अगर इसका हेड लग जाता डेफिनेटली मैं मरता, बट कभी कभी जिंदगी में अपने आप को बेट भी करना चाहिए। क्यों, उसका रीजन है, जब तुम जीत रहे हो, तुम्हारे पास ज्यादा राउंड हो तो बेट करो, या तो तुम्हारा राउंड जाएगा या तो राउंड आएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने अपने आप को बेट करके इस राउंड को निकाला है। बस फायदा यह हुआ कि उसका हेडशॉट नहीं लगा, अगर उसका हेडशॉट लगता तो काम तमाम था, और मैं तो भाई M1 शॉटगन का प्लेयर भी नहीं हूं, तब भी इसको हरा दूंगा। बाकी तुम लोगों को मालूम ही है भाई, मैं और मुन्ना आना दोनों SMG प्लेयर है, बट ये नहीं किसी को पता है कि अंदर से हम दोनों मुन्ना और मैं शॉटगन भी चला सकते हैं, आज तुम्हें पता लगा ना। अरे ये तो तगड़ा वो कर रहा है, अरे 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 अरे, अरे। ब्रूम ऐसा कैसा, अरे यार ये चीटिंग है भाई, ये पेक कर दे रहा है, देखो यार अपने आप को, बट ठीक है, नायरी लिया है तो किसी काम के लिए तो यूज करेगा ही ना। नायरी का सही इस्तेमाल कर रहा है बंदा, बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है, नायरी कैरेक्टर ही इसके लिए बना है ऐसा लग रहा है भाई। यार तू बहुत वो कर रहा है मेरे को, कैरेक्टर स्किल का ऐसा गंदा यूज नहीं करने का, कुछ ज्यादा ही प्रो है भाई, बट अपने पास स्किल है। चलो हंटर भाई आपके साथ खेल के अच्छा लगा, हंटर भाई को बुलाएगा, बातचीत करेगा। तो भाइयों आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वही है लाइक कमेंट का टारगेट, अगर तुम लोगों ने 10,000 के ऊपर कमेंट कर दिए तो हंटर भाई के साथ हम लोग पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे बहुत जल्दी, वरना मैं रिकॉर्ड तो करूंगा बट टाइम लगेगा, तो ट्राई करना 10,000 कमेंट कंप्लीट करने का, तो मैं हंटर भाई के साथ वर्सेस बहुत जल्दी